लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है। पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। 2973 रुपीज की ऑन रोड प्राइसिंग। Hello everyone, this is Somkarnath and you are watching Now About Your Machine. Before starting this vlog, I would like to thank some of members who joined us recently. They are Orion Channel, Maruf Kota and Manish Kumar. Bajaj, जो कि एक इंडियन ब्रांड होने के साथ साथ जिसने इंडियन मार्केट को निचोड़ के रख दिया है अपनी ऑटोमोबाइल से। कोई भी दूसरे ब्रांड की नाम सुने या ना सुने, बट बजाज की नाम ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता इंडिया में स्पेशली। तो इसी के मध्य नजर रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं बजाज पल्सर N250। लुक्स के बारे में बात करें तो बजाज N250 आपको काफी स्पोर्टी क्लासिक लुक्स में देखने को मिल जाता है। कलर के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको टेक्नो ग्रे और रेसिंग रेड कलर वेरिएंट देखने को मिल जाती है। लाइटिंग्स के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको फ्रंट में LED DRL के साथ LED हेडलैम्प और LED इंडिकेटर देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको रियर में LED टेल लैम्प के साथ LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर और टाइम देखने को मिल जाती है। उसी के साथ आपको लो बैटरी, लो फ्यूल, इंजन मॉलफंक्शन, ABS, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम और RPM लिमिट इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। हैंडल बार के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको लेफ्ट हैंड साइड में पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको राइट हैंडल बार में इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ अगर माइलेज के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको 35 से लेकर 42 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। इंजन के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, SOHC, 2 बल्ब, ऑयल कूल्ड FI इंजन देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको 24.5 PS की मैक्सिमम पावर और 21.5 Nm की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। गियरबॉक्स के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है, और अगर टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक विद नाइट्रॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको सिंगल चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क देखने को मिल जाती है। टायर साइज के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको फ्रंट में 100x80 सेक्शन की 17 इंचेस वाली और रियर में 130x70 सेक्शन की 17 इंचेस वाली ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। व्हील टाइप के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ अगर सीट हाइट के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको 795 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ अगर ग्राउंड क्लियरेंस और कार्बो वेट के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 164 kg की कार्बो वेट भी देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको बिग मफलर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट गार्ड भी देखने को मिल जाती है। सीट टाइप के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ अगर सीट कुशनिंग के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 में आपको काफी कंफर्टेबल सा सीट कुशनिंग भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बाइक में आपको बॉक्स टाइप स्विंगम, ओपन चेन, पिलियन ग्रैब रिल्स, क्लासिक डिजाइन और पेंटागोनल मिरर भी देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो बजाज पल्सर N250 आपको 1,38,000 की एक शोरूम और 1,52,973 रुपीज की ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।